करो। हेलो गाइस, मैं फिल्मी सिकंदर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड मैटनी वाल। आज ऑटो वाले अंकल ने देखा कुली नंबर वन, वो भी लेट देखे हैं। और आज रिव्यू तो बनता है ऑटो वाले अंकल से, क्योंकि वरुण धवन और सारा अली खान सेकंड नंबर की डेविड धवन ने इसको डायरेक्शन किया है और डेविड धवन का बहुत बड़ा फैन है हमारे ऑटो वाले अंकल। तो कैसी लगी आपको मूवी? मूवी बोलने के पहले जो है, जो कि दिल जो है मतलब बोलने को नहीं गवारा करता है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा ही दोस्त। और जो है, जो कि मैं जो है बहुत दिनों के बाद जो है कुछ ये मूवी को जो है कुछ गलत बोलने वाला हूँ। आप लोग जो है गलत मत मानिएगा, कुछ देखा इसके लिए बोलूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे जो है जबरदस्त जो है एक्टर जो है गोविंदा जो है सुपर स्टार जो है हमारे अच्छे अच्छे एक्टर के साथ काम किए। और जो है सब लोग को मालूम है कि वो जो है किस बेस पे मूवी में एंट्री किए थे, सबको मालूम। मिथुन चक्रवर्ती के बाद जो है वो एक ऐसे थे कि उनके अंदर काबिलियत था डांस करने का, नाचने का, उसके ऊपर उनको एंट्री मिली थी। और पहले उनकी जब मूवी आई थी इल्जाम करके जो आई थी, उसमें गाना था और ऐसे ऐसे डांस किए थे और शत्रुघ्न सिन्हा सर के साथ काम किए थे। फिर उसके बाद जो है उन्होंने जो है संजय दत्त सर के साथ काम किए, जो कि वरुण धवन की कैसी लगी? वरुण धवन का भी बाद में बताएं, क्योंकि जो है बोलना नहीं, थोड़ा बाद में बताएंगे। थोड़ा हम जरा बता दें कि हमारे एक्टर का इन लोग ने क्या कचरा करके रखा है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ कि एक सुपरस्टार जो गोविंदा है, जो कि आज भी जो है बड़े बड़े एक्टर लोग के साथ, संजय दत्त हो गया, फिर उनके बाद हो गया हमारे जो है टाइगर, जो है हमारे दबंग, जो सलमान खान सर उनके साथ काम किए हैं पार्टनर में, इतना अच्छी मूवी चली। फिर अपने अमिताभ सर के साथ काम किया, अक्षय कुमार, अच्छे अच्छे एक्टर के साथ काम किए। और हमारे जो अरुण धवन, ये अपना अरुण धवन के पिताजी जो है ये डायरेक्टर हैं, जो कि डेविड धवन, जो कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इतने नंबर वन डायरेक्टर जो है अपने लड़के को ले करके, यही जो है मिला था कि गोविंदा का रिमिक करके मूवी अपने लड़के को लॉन्च करने का, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्या बेस पे इन्होंने लॉन्च किया। और जो है सबको जो है कादर खान इतने अच्छे एक्टर थे, फिर उसके बाद सदाशिव और पुरकर है, फिर अपने जो शक्ति कपूर, मतलब बहुत से ऐसे मतलब है इसमें करिश्मा कपूर है, जो ये लोग को चेंज करके कोई नहीं है अभी, जो है दो एक तीन एक्टर नहीं है। तो अभी जो इसके अंदर परेश रावल, जॉनी लीवर, फिर उसके बाद जो है जावेद जाफरी, ऐसे लोग को लेकर के जो है इन्होंने मूवी, कॉमेडी तो है दोस्तों, कॉमेडी में कुछ नहीं है, डेविड धवन माने जाते हैं और कॉमेडी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इन्होंने लड़के को तो ले लिया, लेकिन जो है ये गलती कर दी। गलती ये है कि मुझे समझ में नहीं आता, ले लिया इनको और जो है हीरो बना दिए और गोविंदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको ओवर एक्टिंग कौन बोलेगा रोकने के लिए? ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो है एक मूवी आई थी बदलापुर करके, पब्लिक को पसंद आई थी, भले थोड़ी साइलेंस मूवी थी, पब्लिक को पसंद, उसमें अच्छे एक्टर थे, वो जबरदस्त था। तो वही मैं बोलता हूँ, थोड़ा एक्टिंग भी, थोड़ा ओवर एक्टिंग मत करवाइए। मूवी देखो दोस्तों, मैं तो यही बोलूंगा, ये मूवी देखने से अच्छा है आप जो है ना गोविंदा की चार बार मूवी देखोगे, तीन दिन के बाद वापस देखोगे, लेकिन ये मूवी एक बार देखोगे दोबारा नहीं देखोगे। बस मैं यही चाहूंगा, मैसेज यही है कि डेविड धवन सर को मैं यही बोलना चाहूंगा, आप जो है ना रेमिक करना बंद करें। मैं तो मुझे तो लग रहा है गोविंदा की आपके ऊपर हाई लग गई है, ये मूवी वूवी जो है गाना वाना थोड़ा चला, ये मूवी फ्लॉप है और ये चलने वाली नहीं है। और आप जो है अगर लड़के को वरुण धवन को आगे लेना चाहते हैं, तो जैसे ऋतिक रोशन जो है अपने राकेश सुरेशन जो अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट लिख के कर रहे हैं, वैसा कुछ स्क्रिप्ट लीजिए, या तो साउथ का ही कोई उठा करके उसमें कुछ डायरेक्शन कराइए और अच्छा लगेगा, पब्लिक कम से कम देखेगी और आगे बढ़ेगी। दोस्तों मुझे मूवी अच्छी नहीं लगी, लेकिन क्या करूं, बनता है। इसमें जो है परेश रावल हैं, जॉनी लीवर हैं, ये इनके वजह से जो है थोड़ी बहुत पब्लिक मूवी देखेगी। और सारा अली खान जो है थोड़ा बहुत दिखा उसने, जो कि करिश्मा कपूर जो है जैसा थोड़ा बहुत दिख रही है। टाइम लगेगा, एक बेग तो सुपरस्टार नहीं बनेगी मूवी को। जो है मैं जो भी है नंबर वन डायरेक्टर है, इसके लिए मैं इसको डेढ़ स्टार दूंगा, और परेश रावल और जॉनी लीवर को चार स्टार दूंगा। बस दोस्तों, आप लोग को मेरे तरफ से, ऑटो वाले अंकल के तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, शुभकामनाएं, बाय।